वो उस पे साइल शीट अप्लाई करते हैं। ये बनाया हुआ टेबल, ये टेबल बनाया हुआ हमने। इस टेबल में मैंने क्या कुछ किया था बताइए जरा मुझे। क्लास इस पे मैंने क्या अप्लाई किया, इसका कलर कैसे चेंज हुआ है, और ये एंड वाला जो CSS अप्लाई किया। हाँ बताया ये कैसे, ये CSS से नहीं था मैंने अप्लाई किया, अच्छा आपने वो दूसरा मैंने कॉल ग्रुप यूज किया था। सर, जो हमने जो टेबल बनाया था ना, एक जो आपने असाइनमेंट वाला दिया था उससे जी लेके चले ना, वहां से उसको किधर है, लेके चले ना। की आपने सेंड की हुई है मुझे फाइल हुई है सर। जैगम के नाम से, जी सर, दोबारा सेंड कर दो अगर दूसरी दूसरी से। दूसरी जगह में कवर लिखा हुआ था, वो तो दूसरी फाइल है जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया वो था। नीचे सर, वो नोकिया के नीचे, नोकिया के नीचे सर, नीचे जाए ना। नहीं मैं भेजता हूँ सर आपका। अब जो भी आ रहे हैं अटेंडेंस लगवा लें अपनी। जिन लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगवाई अपनी अटेंडेंस लगवाएं। बीस पार्टिसिपेंट हो गए अभी, सिर्फ दो लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया आज बस। अच्छा नवाज की होगी अटेंडेंस, उसके बाद थी सोफिया, भेज दो जाके हम जल्दी करो या हम नया टेबल बना लें। हम नया टेबल बना लेते हैं, यहाँ से फाइल ओपन करते हैं नोट पैड प्लस प्लस की, एडिट विद नोट पैड, सारी फाइलें क्लोज करते हैं। हम जो है एक न्यू फाइल बनाते हैं यहाँ पे, ये बन गया, भेज दिए जी सर हमने। टेबल सबको बनाना आता है ना। यस सर। जी सर। ये जैगम ने जी सेंड किया, हम इसको लेकर चलते हैं। हम इस पे जो है ना स्टाइल शील्ड अप्लाई करते हैं, डाउनलोड्स में गए और यहाँ से उठाई हमने। सर आज पढ़ना क्या है, मतलब टेबल का हमने क्या करना टेबल है? की स्टाइल शीट, टेबल की स्टाइलिंग करनी है आज, और लिस्ट की करनी है। लिस्ट किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हमने, टेबल की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कौन कौन से हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। हमने अभी तक इस पे बॉर्डर लगाया है और इसकी सेल्फ एडिंग की थी, और एक और की थी, वो क्या थी क्लास? फ्लैशबैक में जाए जरा, बॉर्डर वाटर कोलैप्स किया था सर, क्लैप्स किया था, और क्या किया था हमने, इसकी सेल पैडिंग भी की थी, सेल और स्पेसिंग भी की थी, यस सर सर सेल स्पेसिंग भी की थी। ये सारी और सर सीएसएस की वो लगाए प्रॉपर्टीज थे हैं। गो कॉलन, कॉलन और क्या कॉलन की शेप्स, कॉलन में फॉर्मेटिंग की थी ना सर, वो जो बुलेट्स होते हैं, बुलेट्स बुलेट्स होते हैं, वो तो बुलेट्स लिस्ट के बुलेट्स की लिस्ट में कॉलन। किया, वो तो लिस्ट यस में सर, किया था हम लोगों ने। यस सर। यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं हम, नाम रख लेते हैं जी टेबल CSS। अब हमें इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। जैसे हमने टेबल बनाया हुआ, जैसे हमने इसको कोलैप्स नहीं किया हुआ, बॉर्डर दे दिया हुआ लेकिन इस पर कोलैप्स नहीं किया हुआ। इस जगह हमने इसके एट्रीब्यूट यूज करके तो इसको जो है किया। हम इसमें जगह हेड किधर है, जी क्लास बोल दो, आज तो सारे ही खामोश हो, क्या हुआ है? यस सर।
जी अभी सर। मैंने इसका बॉर्डर सिंगल करना था, मैं क्या सर वो करूँ? मैं बोल रहा हूँ, मेरा वो वाईफाई का मसला बन रहा है सर, सब तो कभी डिस्कनेक्ट होता है कभी कनेक्ट होता है। अच्छा हम टेबल पे जो है ना स्टाइलिंग करने लगे हैं अभी। पहले हमने की थी सिर्फ थोड़ी सी स्टाइलिंग इसकी, अब जो CSS अप्लाई करते हैं उससे हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। हेड डायग्राम ने नहीं लिखा हुआ, हम लिखते हैं, उसके बाद इसको देते हैं स्टाइल। जी डॉट टेबल, ये बॉर्डर खत्म करते हैं हम इसका जो इसने एट्रीब्यूट लिखा हुआ। इसका कैप्शन कैप्शन क्यों नहीं दिया आपने जगह? जिसका माइक में शोर है ये बंद कर ले माइक अपना। ये हमने बॉर्डर खत्म कर दिया है, ये जो हम जैगम ने हेडिंग दी हुई है ना हम इसको कैप्शन में ले जाते हैं। टेबल ऊपर से शुरू हो रहा है ना H1। कैप्शन क्या चीज थी? क्लास बोल दें जी टेबल का टाइटल होता है ना, बिल्कुल, जो टेबल के टॉप पे लिखा जाता है ऊपर टेबल से बाहर। ये मैंने जागम टेबल लिख दिया। यहाँ पे लिख देते हैं हम डेटा कौन सा इसके अंदर, एम्प्लॉय फॉर्म, एम्प्लॉय टेबल। इस पे बॉर्डर भी नहीं अप्लाई हुआ हुआ, कैप्शन हमने लगा लिया। हम इस पे बॉर्डर अप्लाई करते हैं, डॉट TH टेबल पे किया बॉर्डर हमने अप्लाई, BORDER बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड कलर रेड। इसका तो सबको पता है ना, तो ये मैंने अप्लाई किया है यस तो ये हुआ नहीं है। ये मैंने अप्लाई किया ये हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ? सब सो रहे हैं, कोई भी नहीं जाग रहा सिवाय मेरे। मैं बगैर हूँ कि मैंने ये टेबल लिखा है यहाँ जागरण पे, तो मैंने यहाँ पे टेबल लिखा है, टेबल का पी मैंने बड़ा टी लिख बड़ा लिख लें, ये लें जी टी बड़ा लिख सर, दिया इससे तो हमने, कोई फर्क नहीं ना पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। बताएं जी अच्छा, वो माजिद, आमना जी बुशरा, रूज, ताहिर, मरियम, माजिद, जाहिद, नीलम, रजा। सर, बताएं इस, ये मैंने क्लास लिखी, ये मैंने टेबल लिखा है, इसकी स्टाइल शीट की है, लेकिन ये इस पे अप्लाई नहीं हो रही। सर आप क्लास भी बताएंगे ना बॉडी में? मैंने क्या किया है, आईडी कुछ गलत किया है मैंने यहाँ पे? बॉडी में क्या करना, माजिद आप बताओ यार, सब उसका ठीक नहीं है होता ना सर। फिर ये सवाल कर देता हूँ, ये लो फिर हो जाना चाहिए ना। हाँ तो क्या करूँ इसका? मैंने ये जो डिफाइन किया हुआ है ना, हाँ मैंने जो डिफाइन किया हुआ है ना, ये मैंने क्लास सिलेक्टर पे यूज किया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ यूज करना था टाइप सिलेक्टर, ये डॉट लगाया हुआ मैंने। इसको जैसे ही मैं रिमूव करूंगा वो उसको अब हो जाएगी, अब बॉर्डर लग जाएगा, ये देखें अब बॉर्डर लग गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेबल के अंदर हमारे TH है ना इन पे भी लग जाए, ठीक है? सर तो ये इसको मैं मुझे ना करूंगा ये कॉमा डॉट से, और डॉट के बिना, सर ये जो टेबल से ये टेबल के देखो साथ आपने डॉट लिखा था नहीं जो क्लास में जी सर,
सर जी जी इसकी नहीं बोले। सही अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं सही है। ये पढ़ा तो है, ये डॉट जो हाँ लगाते हैं, डॉट टेबल और टेबल, इसमें मतलब क्या डिफरेंस है, और कब डॉट लगाना है और कब जो है ना खाली जी टेबल लगाना है, ये क्लास जी क्लास हुमा में जो। हुमा बताएं जी, क्लास में टेबल में और उसमें क्या डिफरेंस है? हमने सिलेक्टर्स पढ़े थे, वो क्लास ली थी जगम आपने? नहीं मेरे ख्याल में नहीं ली हाँ, इसलिए नहीं यस समझ आ रही सर। आपको। टाइप्स ऑफ हाँ सिलेक्टर्स हमने पढ़े थे, बिल्कुल टाइप ऑफ सिलेक्टर्स हमने पढ़े थे। इसमें डिसेंडेंट सिलेक्टर था, क्लास सिलेक्टर था, और फिर चाइल्ड सिलेक्टर था, एट्रीब्यूट सिलेक्टर था, ग्रुपिंग सिलेक्टर था, और टाइप सिलेक्टर था जो कि ब्रदर सही यूज़ बता। करते। ये ठीक है है, जी, ये यूनिवर्सल। सिलेक्टर्स हम, हाँ ये हमने सिलेक्टर्स किए हुए हैं। ये देखो, हमने पूरा लेक्चर किया था उस पे। देखो, ये जो हम कर रहे हैं सर, ना, मैं ना किसी उसे मेरे किसी ख्याल HTML टैग को यूज करते हुए हम किसी क्लास कोई स्टाइल शीट अप्लाई करेंगे ना, तो वो होता है टाइप सिलेक्टर। ठीक है, ये देखो, ये हमने डॉट नहीं लिखा हुआ ना, हैश लिखा हुआ है। ओके है? सर, ये आपने ये है ना, जब हैश कल किया आईडी था ना, कल या सिलेक्टर है परसों, किसी के साथ क्या? डॉट लगा रहे थे, किसी के आईडी साथ सिलेक्टर है सर। हैश, किसी के साथ डॉट लगा रहे थे, किसी के साथ हैश लगा रहे थे, हाँ, वही ये बता रहे हैं मतलब ना, इसका डिफरेंस नहीं। इसका अच्छा डिफरेंस अच्छा है ना, इसके साथ हमने कुछ नहीं लगाया, ये हमारा टाइप सिलेक्टर है। ये HTML अच्छा टैग अच्छा को हमने यूज किया है, उसको उसकी टाइप जो है वो लिखी है, और आगे हमने स्टाइल शीट अप्लाई कर दी है, अपनी डिफाइन कर दी है। जी ठीक ये हम यूज कर रहे है हैं सर, क्या? टाइप सिलेक्टर। जी सर, ठीक है, उसके बाद हम नीचे जाते हैं। नीचे हमने कहीं क्लास सिलेक्टर यूज किया होगा, ये है, ये सक्सेस। अच्छा, इसके साथ डॉट लगाया हुआ है, ये क्या, कौन सी है ये ये डार्ट क्लास वाली, कौन सिलेक्टर है, सी क्लास क्लास। क्लास, क्लास सर इसमें होता क्या क्लास वाली में? इसमें हम डॉट लिखते हैं, ये डॉट लिखा हुआ है सक्सेस में, जी सर, जी सर, और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये क्लास लिखी हुई है। एट्रीब्यूट क्लास यूज करते हुए हम इसको डिफाइन कर देते हैं, तो वो उस पे अप्लाई हो जाती है। ठीक है, सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब देखें, ये डॉट वाली हो गई, एक है जो ना आपने वो हैश वाली लगाई। हैश वाली के लिए आईडी यूज करेंगे हम। हैश जो है ना, आईडी यूज जी करेंगे। सर, एक फॉर्म की जितने भी कंट्रोल्स होते हैं ना, उनके आईडी डिफरेंट होते हैं, तो हम इसके लिए जी आईडी जी यूज करेंगे। जी सर, ये मैंने एफ नेम आईडी यूज किया हुआ है ना, जी ठीक है, सर, नीचे भी मैंने कहीं यूज किया होगा, ये दिया है लार्ज। ठीक जी है, सर, अब डेंजर, डेंजर उसका कलर डिफाइन कर रहा है, लार्ज क्या कर रहा है, लार्ज उसका साइज साइज डिफाइन कर रहा है। जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो दोनों फाइलें, दोनों स्टाइल शीट्स पे अप्लाई हो जाएंगी। ये देखिए, ये लाइन है ना, जी सर, ये लाइन है ना, देख लेते हैं हम ना, अपना टेक्स्ट देख लेते हैं, यही है। HCSS comprises of style rules and independent, ये चीज है ठीक उसमें। है ठीक सर, है ना, उसके लिए जी हैश सर, यूज करेंगे। और इसके बाद हमने जी पढ़ा सर, था चाइल्ड, चाइल्ड सिलेक्टर, ये चाइल्ड जी सर, सिलेक्टर है। ये बॉडी है ना, हमने जहां जहां पी यूज करना है ना, उसने उसको बोल्ड कर देना, पी टैग जहां जहां यूज करना जी उसने बोल्ड कर देना। सर, ये हमने किया था ग्रुप सिलेक्टर, ग्रुपिंग करते हैं इसमें, ग्रुपिंग है ना। यस सर। हाँ, ग्रुपिंग सिलेक्टर है ये। उसके बाद हमने अच्छा किया अच्छा था एच डिसेंडेंट है, ग्रुपिंग हो गया, मतलब H1, H3, H5, ये सारे इकट्ठे इकट्ठे हो हम गए, जो ये कर इकट्ठे जीरो, सारे इकट्ठे हमने हो डिफाइन कर देने हैं। उसके गए। बाद जी हमने किया था सर, आईडी डिसेंडेंट, सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, वो बता दिया है, यस इसको सर, समझ आ गई है, जी सर, ठीक, आईडी की समझ आ गई है ना। जी सर, वो इसके बाद हमने किया था डिसेंडेंट, ये डिसेंडेंट यूज किया हमने, ये एल आई लिखा है। इसके अंदर जहां जहां डेंजर क्लास यूज होगी ना, उसका कलर रेड कर, जी सर, जहां जहां आप पे हमने एल आई के इतने अंदर डेंजर क्लास यूज की होगी ना, उसका कलर ये कर दो, ये डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट जो होती है ना, वो पोता पोती तक जाती है, हैं, जी सर, ये ना सिर्फ ठीक है अपने सर, बेटे पे अप्लाई होती बहुत है, बहुत इनर बहुत, टैग। ठीक है,
और कोई रह तो नहीं गया हमारा, एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है एक, जी ये सर, हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, जी सर, ये इसकी टाइप टेक्स्ट है, जिसकी जी टाइप ठीक टेक्स्ट है है सर, उसका कलर जो करना है रेड कर दो, बाकियों का नहीं करना। ये देखो जिसकी टाइप टेक्स्ट है ना उसका कलर रेड कर दो, ये देखो इसका येलो जी है। सर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ठीक है भाई, सही है अभी हम सर, वापस जाते हैं टेबल पे, टेबल पे जी सर, टी एन टेबल एफ वाले लिखा है, पर, अब हम टी डी कर देते हैं। ये टी डी कर दिया यहाँ पे, तो हमारे टी डी में जो है ना वो भी लग गया, टेबल लग गया, इसकी स्टाइलिंग हो गई। ठीक है क्लास, जी सर ठीक, अभी हमने क्या करना है, इसको करना है इसका बॉर्डर जो है ना वो कोलैप्स करना है। कोलैप्स करने से हमारी ये जो अलग अलग शो हो रही है ना ये खत्म हो जाएंगी, जी सर ये सबको जोड़ इकट्ठी देना हो आपस में। जाएंगे, मैं करता हूँ बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स यूज करता हूँ यहाँ पे, तो ये जो है ना मेरी ये अप्लाई हो जाएगी इधर, ये हो गई है। ठीक है क्लास, ये हमने कर लिया हुआ है पहले, ये सर, हम कर चुके हैं ये सारी चीजें। ठीक जी सर ठीक, है, अब हम इसको करते हैं क्या, टेबल की हाइट विड्थ डिफाइन करते हैं। टेबल की जो है ना इसकी कर देते हैं, टेबल हाइट इसकी कर दो 600 पिक्सल, विड्थ इसको कर दो 100%। जी मैंने किया, ये देखिए 100% का मतलब है कि उसने सारा जो है ना कर दिया। अब देखिएगा टेबल छोटा हो गया हमारा। ठीक है क्लास, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो है ना हेडिंग इसका यस साइज यही रहे, लेकिन जो है ना मेरी टीडी, टेबल के अंदर जो टीडी है उसका साइज छोटा हो जाए। टीडी जहाँ पे यूज करता हूँ मैं सेल पैडिंग, सेल पैडिंग यूज की है, तो मैं इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल। क्लास और यस नो कर दिया करो, यस सर, यस यस सर, सेल पैडिंग आवाज अप्लाई आ हो रही है रही है। आपको? जी, आ रही है आवाज, आ रही है, ये मैंने सेल पैडिंग की है, ये सर वो अप्लाई मेरा दिख रही थोड़ा सा है। माइक का इशू होता है सर पीछे मेरे। जी, बोले क्या? क्या करना दूसरे? नहीं, ये सेल पैडिंग लिखी है इसकी, तो ये अप्लाई क्यों नहीं हुई माजिद? सर ये तो नजर नहीं आई, मैं तो नजर नहीं आई है, नेट स्लो हमारा उस पेज पे, कोडिंग वाले पेज पे रहे हैं। कोडिंग वाले पेज पे रहूं? ये सर कोडिंग सेल्फ वाले पेज पे एडिंग, हैं। सर सेल्फ एडिंग में वो अंडर यही आता है। अभी नहीं हुई? ये हमने किया हुआ है जी, टी डी में डिफाइन टी आर, ये टी डी सेल पैडिंग उसका नहीं हुई अप्लाई। हम यहाँ कर लेते हैं, कौन सा क्या पैडिंग हटा लिखो, ये नहीं, अब हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी, ये ऐसे ही लिखना है। हम इसको उठा के रख लेते हैं यहाँ से, हेड में ले किस टाइम? देखते हैं अब अप्लाई होती है कि नहीं। कोई नहीं है, 50 पिक्सल की है, हम इसको कर देते हैं 10 पिक्सल। क्यों नहीं हो रही है? सेल हेडिंग जी क्लास, ये हम सेल पैडिंग कर रहे हैं,
इसको रिमूव करते हैं हम। हम जो है ना यहां से कर लेते हैं सेल, इसके लिए क्या करें हम अजित? हम कह रहे हैं हमारे जो सेल है ना उसके दरमियान पैडिंग कम हो जाए, जो टीडी वाले हैं उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने पैडिंग की हुई है पहले। हाँ किसी ने नहीं बताना आज हम पैडिंग लिखते हैं समझ ही नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। यहाँ पे ये पैडिंग लिखा खाली है टेम्प पैडिंग। एग्जाम, हाँ खाली पैडिंग लिखेंगे उसमें। तो हम लिखते थे ना वो सेल पैडिंग एट्रीब्यूट यूज करते थे, यस सर। इसमें हम ये यूज करेंगे। उसमें हम एट्रीब्यूट क्या यूज करते थे? सेल पैडिंग को बढ़ाएं, पैडिंग को बढ़ाएं, पैडिंग हम पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट बढ़ाएं सर, बढ़ानी है ये पैडिंग अब, हमने सही इस है ना तरीके से सर? डिफाइन करनी है। हाँ हम जो वहां पे एट्रीब्यूट लेवल पे डिफाइन करते थे तो हम लिखते थे क्या सेल पैडिंग, लेकिन हमें जब सीएसएस से डिफाइन जी करनी है तो हमने सिर्फ वो लिखनी है पैडिंग। देख सर, पैडिंग कम कर रहे हैं तो वो ना स्पेस बढ़ रही है उनकी, पैडिंग बढ़ा रहे हैं तो फिर वो हो रही है। सही हाँ ये पैडिंग लेफ्ट की है ना मैंने, ये देखें ये पैडिंग बढ़ रही है लेफ्ट साइड से, ये देखें ये वन वन भी आगे जा रहा है, बिल गेट्स भी आगे जा रहा है, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट भी आगे जा रहा है, अब सही है तो ना मैंने सर? लेफ्ट साइड से किया है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये जो है ना मेरी उस पे ना अप्लाई हो, मेरी टीडी पे, जी सर, और टीएच पे ना हो, टीएच ही मेरा वैसे ही रहे। मैं इसको करता हूँ सेपरेट डिफाइन करता हूँ टीडी के लेवल पे, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ सेंटर करने के लिए, मैं इसको ज्यादा कर देता हूँ 25 कर देता हूँ, क्योंकि ये सेंटर में चाहिए मुझे। यहाँ पे 86 किया हुआ, 86 कर देते हैं हम, 85। ये तो उस पर भी अप्लाई हो गया, टीएच पे भी हो गया ना। क्लास जैगम सर ऊपर सर, ये इस पे भी अप्लाई हो गया 85 पिक्सल, यहाँ पे भी अप्लाई हो गया, हालांकि मैंने टीडी लिखा हुआ है। उसको क्लास यूं दे हमने, फिर एट्रीब्यूट किस लिए यूज कर रहे हैं? टेबल टीएच का टैग है वो, उसकी डेफिनेशन हमने किसी और तरीके से डिफाइन किया हुआ उसको, देखे ना यहाँ पे हम लेके जाते हैं जब अपने टीएच पे इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो ये टीएच का टैग यूज कर रहे हैं हम, ठीक है ना? ये क्लास एक मिनट जरा, तो ये किसी के बच्चे ना रो रहे हैं।
जी क्लास जी, यस हम इसमें से ना क्या करते हैं, हम विड्थ जो है ना 100% वाला टैग खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमारा पेज जो है ना टेबल जो है ना नॉर्मल हो। ये अब देखें वो सेंटर में आ रही है, पैडिंग वाले जो है ना वो टीडी पे ही अप्लाई हुआ है, टीएच पे नहीं हुआ। ये देखें इसको मैं काम करता हूँ, 40 कर देता हूँ। अब मैं जो है ना मेरी, ये देखिए मैंने 40 किया है ना तो कम हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है ना मेरी क्या कहते हैं इसको हेड, इसकी पैडिंग मैंने डिफाइन करनी है, तो मैं क्या करूँगा टी एच सेपरेट से कर रहा हूँ ना इसकी पैडिंग को, वो पैडिंग जो है ना इसकी हो 4 पिक्सल या 3 पिक्सल, देखते हैं जी कितना छोटा होता है हमारा हेड, तो ज्यादा हो गया। पैडिंग में तो खास फर्क नहीं पड़ रहा, हमने कहीं और भी पैडिंग डिफाइन की हुई है क्यों क्लास? हमने हाइट डिफाइन की हुई है, ये हाइट डिफाइन की हुई है, वो इसलिए उसको छोटा नहीं कर रहा। ये देखें इस पे मैंने पैडिंग कितना दी है, मैं हेड को बड़ा करने जा रहा हूँ, हेड को मैंने बड़ा करना है, तो हेड की मैं पैडिंग कर देता हूँ 10 पिक्सल। ये देखें हेड मेरा बड़ा हो गया और बाकी जो जितने भी हैं वो सेंटर में आ गए हैं। ये 1 2 3, इसको पैडिंग जो है ना मैंने अप्लाई कर दी है लेफ्ट साइड से। क्लास जी हाँ, ये पैडिंग मैंने हमने इस तरह अप्लाई करनी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने टीएच का कलर जो है ना वो कर दे ब्लैक, ब्लैक कर दो, टेक्स कलर जो है ना वो व्हाइट कर दो, टीएच का सिर्फ कलर जो है ब्लैक कर दो, और बीजी कलर जो है इसका, ओ सॉरी, कलर जो है व्हाइट कर दो, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो कर दो, क्या कर दो, ये बैकग्राउंड की जगह बीजी कलर भी लिख सकते हैं ना? बीजी कलर मेरा ख्याल है कि नहीं लिख सकते, अब नहीं लिख सकते, पहले था सीएसएस में जो सिंपल थी उसमें था मेरे ख्याल से, इसमें नहीं है, 3 में नहीं है ये। ये देखो ये दरम्यान में सर, वो ना दरम्यान से ये लाइन खत्म करें ना, बीजी और कलर भी साथ लिखें, लाइन बीजी के खत्म साथ ही कर, कलर लिखें सर जिन्हें जी, करना लाइन होता है खत्म करें। बीजी कलर सीएसएस, जिन्हें नहीं नहीं लिखा है है, मैं ठीक, इसको इसी तरह लेके चलना, सिंटैक्स जो है ना हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, ये हमने कर दिया। सर मैं यूट्यूब से इसमें वीडियो देख रहा था, वो बीजी कलर ही लिखता वो पहले था, मैं वो बता रहा हूँ ना, इंडियन पहले था, कोई। पहले अच्छा था इसमें ना, अच्छा अच्छा अब नहीं ठीक, है। इनमें से बंदर हाँ लिख लेते हैं, बिल्कुल सजेशन में आ जाती है ना। बिल्कुल। अब मैं क्या करने चाह रहा हूँ कि मेरा जो है ना टेबल, ये इसकी ये जो लाइनिंग है ना इस पर डिफरेंट कलर अप्लाई हो, फर्स्ट पे कोई और कलर हो, सेकंड पे कोई और हो, थर्ड पे कोई और हो, ठीक है क्लास? जी सर, करें इसको सर ये नहीं, जी ये सर करें हैं सर, सर ये करें हैं, ये जो जी नंबर वाला जो कॉलम है, ये जो नंबर जी वाला जी कॉलम है, इसमें जो 1 2 3 4 लिखे हैं ये सेंटर में लिखे जाएं, और साथ में छोटी छोटी लाइन आए, छोटी छोटी जैसे होता होता है, मतलब लिखते नहीं होते, 1 और 7 लाइन होती है छोटी सी। अच्छा, लेकिन वो इसके साथ इसके इसमें करना पड़ेगा, टीडी में जाके ना यहाँ पे ये लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी जी, इस तरह से 1 2 3, ये इस तरह से करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक लाइन है इस सर, तरह फिर से वो आएगी सेंटर में आ जाएगा, 1 2 3 4 सेंटर में आ सेंटर जाएंगे। में, सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर में ले जाते हैं उसको,
हम उस पे ना क्लास अप्लाई कर देते हैं, अलाइन सेंटर क्लास कर देते हैं अप्लाई, हम उसको ना क्लास का नेम रख लेते हैं, सीरियल नंबर रख लेते हैं, इसको अलाइन कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सीएनटी सेंटर। सर ये जो आपने अभी ये सीरियल नंबर किया ना, अब यहाँ भी नहीं समझ आती है कि बंदा ये किस तरह चूज करनी होती है कि कौन सी कैसे रखनी है। नहीं हम क्लास लिखने लगे ना, देखो हम यहाँ पे जाके वहाँ पे क्लास दे देंगे जहाँ पे हम नंबर डिफाइन कर रहे हैं। देखो क्लास, अब जो पहले वाला है ना वो सिर्फ आ जाएगा सेंटर में, बाकी जो है वो उधर ही रहेंगे। ये तो नहीं होगा, हमने नहीं क्या किया हुआ। होगा, हमने क्या किया हुआ है, टीडी को ये डिफाइन किया हुआ है पैडिंग लेफ्ट, इसको जो है ना कमेंट करते हैं क्योंकि वो इसको भी अप्लाई कर दे, क्लास को वो अप्लाई करता है और उसके बाद जो है ना उसको भी अप्लाई कर देता है। हाँ इसको ना इसके नीचे ले जाते हैं हम, लेकिन हमने नीचे लिखा हुआ है पहले भी, अभी मैंने टीडी से भी डिफाइन किया हुआ है, सीरियल नंबर से भी कर लिया है, तो क्या कौन सी क्लास अप्लाई होगी? जो टाइप जो पहले लेटर है लिखी। उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, पहले नहीं लिखी होगी, बाद में जो लिखते हैं वही होती है अप्लाई, लेकिन अच्छा टाइप अच्छा जो सिलेक्टर बाद की में लिखी प्रायोरिटी वही ज्यादा होगी। है, वही होती है, लेकिन यहाँ पे टाइप सिलेक्टर की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उस वजह से वो उसको लेके चल रहा है। हम इसको कमेंट करते हैं क्लास, एक मिनट में ना अटेंडेंस भेज दूँ बस, मैं देख के मैं इसको कमेंट जी सर करता हूँ, या ठीक। कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ, तो अब देखिएगा अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट वन पे वो सेंटर में है और बाकी सारे जो है ना वो नीचे हैं, हम वहाँ पे जाके क्लास ऐड जी करेंगे। तो फिर नहीं मैं सबके क्लास साथ ऐड क्लास करूँगा, करनी पड़ेगी। सबके साथ क्लास होनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है। ये, अब वो सेंटर में आ जाएंगे, मैंने क्लास अप्लाई की है। ठीक ये ऐसे है सही है ना ये जी सर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक मिनट अटेंडेंस भेज दूँ, जरा वेट जी कीजिएगा सर जी। ठीक। ठीक है अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पे जो है ना मैं वो कहते हैं टेबल को स्पॉन्सिव करना चाहता हूँ, टेबल को अगर मैंने वेट 100% दिया है तो मैं 100% वेट देता हूँ,
एडिंग तो मैंने कर ली हुई है ना, टेबल को मैंने वेट दी हुई थी ना पहले 100%, इससे हमारा टेबल रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। देखिएगा जैसे जैसे छोटा करूंगा मैं उसको, हमारा ये टेबल छोटा है तो वो उस वजह से स्क्रॉल नहीं हो रहा है, परसेंटेज में करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो इससे छोटा नहीं हो रहा क्योंकि टाइम ले रहा है, उसको उठा के सेपरेट कर लेते हैं। माइक किसका होना है, माइक बंद कर लें। माइक बंद कर लें सर, ये फ्राज का। अच्छा मैं इसको टेबल को देता हूँ, मैंने इसको करना चाहूँ और रिस्पॉन्सिव, उसके लिए मैं एक डिव ऐड करूँगा यहाँ पे, डीआईडी डिव। टेबल के नीचे जाके मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, डीआईडी डिव, और इस पे मैं ना इसको जो है ना डिफाइन कर रहा हूँ। इस डिव में क्या डिफाइन कर रहा हूँ, स्टाइल इसका हो टेबल का कंटेंट है हमारा, इससे नीचे हो नहीं रहा हो। टेबल में हम कॉलम इंक्रीज ना कर लें, ये जब ओवरफ्लो एक्स लिखते हैं ना तो ये टेबल को रिस्पॉन्सिव कर देता है। वर्टिकल स्क्रॉल जो है ना, वर्टिकल स्क्रॉल ये नीचे जो होता है जी सर, ये बना देता है। जी सर वो बढ़ा लें, फिर बढ़ा लें टेबल में कॉलम बढ़ा लें अपने, वो जो आगे टाइप लिखा हुआ है ना तो उसमें ही वो लिखने, या एक और साथ उसके साथ एक और बढ़ा लें। अच्छा ये ऐड कर लें उसमें। जी सर इधर ऐड करेंगे ये टाइप में सर, टेबल डाटा हो जाएगा कि नहीं होगा सर, क्या किया गया ये तो एक रो ऐड करना है इसके नीचे, मैंने इधर ऐड करना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा सर, वो वो जो सबसे नीचे वाला जो नहीं वो टी आ रहा, उसमें लिखिए क्या करूंगा, बिल गेट्स है तो एप्पल कर दो। ये सब सब में एक एक आना है ना सर, टीडी सब टीडी में एक एक आएगा ना। हाँ टीडी आएगा जी, फाउंडर एप्पल है ये बनाना कर दें सर, बनाना कर दूँ ले जी बनाना करते हैं। ये माइक किसका होना है, फराज का, अभी माजिद का है, माजिद बंद कर लिया करें यार, बाकी तो सारी क्लास हो रही है, उन्हें मजा ही नहीं आ रहा क्लास का सर, मजा तो आ रहा सर। बनाना की स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, मैं बता दूं खैर है सर, मैं इसीलिए मैं कह रहा था कि अब ये देखिए ये टेबल हमारा रिस्पॉन्सिव बन गया है, जैसे जैसे इसको छोटे करते जा रहे हैं हमारे जो सेल है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्रॉल नहीं आ रहा क्योंकि उसका ब्राउजर का साइज इतना है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है ना अल्टरनेट कलर हो, फर्स्ट रो का वाइट हो, दूसरी कलर दूसरी जो रो है उसका कलर ग्रे हो, तीसरी कलर कुछ और हो, उसको डिफाइन करते हैं। ये फ्राज का माइक आप ही बंद कर दें सर, ये फ्राज का माइक आप ही बंद कर दें। अच्छा हम जो है ना यहाँ पे करते हैं टीआर यूज करते हैं, अल्टरनेट रो जो है ना हमारी उसमें क्या कर दो, nth चाइल्ड, ये प्रॉपर्टी है इसकी,
ठीक है, जो हमारी इवन है ना रोज, उनको क्या कर दो, उनका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो कर दो ग्रे। सर एंथ क्या है सर? अच्छा, नंबर ऑफ जो रोज है चाइल्ड, ठीक है सर। टीआर के अंदर जो है ना हमारा चाइल्ड है, टीडी को वो करेगा। और हम इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या किया, अप्लाई नहीं हुआ, ग्रे कर दे दिया था हमने। टीआर एंथ चाइल्ड इवन, ये सही अप्लाई किया हुआ हमने। क्यों माजिद, आपने कलर, बैकग्राउंड कलर और आगे साथ भी कलर लिख दिए, कुछ भी लिखूं तो सही। ओ हो, कलर तो इसको लिखे ग्रे सर, करते हैं ना, ग्रे वो करते कलर हैं ही ना। कलर। अब जी सर, कलर का नाम ही लिखा था। ओके, हाँ तो फिर वो कैसे होगा, ये देखो सर मैंने अल्टरनेट रेज रोज जो है ना उनको डिफाइन आपने किया है टीआर के इसमें। साथ सर कोडिंग एक दिखाइएगा, ये इसे देख, आपने टीआर के साथ क्या लिखा है, एन टी एच nth ई, चाइल्ड, नंबर टीआर के ऑफ, अंदर जो नेक्स्ट टैग है ना उसका nth चाइल्ड, उस पे अप्लाई करने हैं हमने सारे इससे क्या टीडी है। होगा, टीआर एन जो चाइल्ड का इवन क्या रोज है ना मतलब उन पे अप्लाई है। सर, एन एंड चाइल्ड का क्या चाइल्ड एक मतलब, एट्रीब्यूट है, एंड चाइल्ड ये एक किस एट्रीब्यूट लिए है जो हम यूज सर, कर ये रहे किस हैं। लिए यूज होता है, एंथ मतलब नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, हर सेकंड जी नंबर पे जैसे आपने कलर ग्रे करके, सेकंड ने हमने इवन इवन नंबर लिखा है, इसमें इवन नंबर लिखा है। ऊपर से देखे ना, ऊपर से पहले छोड़ के दूसरी इवन में जो है ना वो ग्रे हो गया, सर इसका वो ग्रे इफेक्ट हो शो गया। करवाएं जरा नेक्स्ट पेज से। सर एक मिनट क्लास, आपके जो ग्रे की स्पेलिंग भी गलत है, फिर भी हो गया। हुमा, आप ये बच्चों के तेरी स्पेलिंग कार्टून गलत जरा, है, हुमा आप बच्चों के कार्टून जरा दूसरे कमरे में लगा दें। जी क्लास, ये एंथ चाइल्ड जो है ये हमें अभी अप्लाई किया है टी आर, ये क्या करता है, ये एंथ चाइल्ड के अंदर जो हम लिखेंगे ना, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे इवन ऑड या नंबर लिख देंगे, नंबर भी लिख देंगे ये तब भी चल जाएगा। मैं लिखता हूँ नंबर टू, सर एक चीज पूछनी सर, टू लिखता हूँ यहाँ पे, सिर्फ जो टू सर रो है ना ये उस पर चीज है, ये देखें एक मिनट, ये सिर्फ ये टू पे अप्लाई होगी। जी बोले, अगर अच्छा मैं जी ऑड ठीक है। लिखता वो हूँ, सर वो मुझे नजर नहीं थी आई, वो ना मैं कह रहा था वो कर्ली ब्रैकेट आपने ना सिर्फ वो खत्म की है तो आपने वो शुरू भी की थी। ठीक हाँ है सर, जरूरी नहीं है हम इसको जो है ना टेबल में ही यूज कर सकते हैं हम इसको किसी भी। आपने यहाँ पे इवन ऑड लिखा है ना, तो वो 2, 4, 6 है, ऐसे उन पे ही अप्लाई होगी जो 2 वाली सीरीज होगी या जो फोर वाली वन, सीरीज, हाँ जी, वो वही उन्हीं पे अप्लाई जब होगी इवन लिखेंगे तब, जब जब ऑड लिखेंगे फिर इवन। तो, अब ये जब देखिए, ऑड लिखेंगे अभी फिर मैंने वन ऑड तो। लिखा है ना, मैंने ऑड लिखा है ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इवन लिखा है। अब देखें, इसने दूसरी ठीक है, की है, चौथी की है, सिक्स की है, इसमें उसने क्या किया है, पहली को ब्लैक रखा हुआ है, तीसरी की है, पांचवी की है। यस यहाँ पे ये सिर्फ हम टेबल पे नहीं अप्लाई कर सकते, ये हम किसी भी जो है ना कंट्रोल पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जैसे सर, ये हमारा पी है ना, पी पी एक लेते हैं हम इसके नीचे, मैं ये सर समझाने के लिए करता हूँ, ये देखो पी ये लिखा मैंने, स्लैश पी, इसको मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अच्छा ये यहाँ पे भी लग सकता है, ये पहली दूसरी है इवन आउट में यहाँ।
हम क्या करते हैं, इसको करते हैं थर्ड, इसको करते हैं फोर्थ, ठीक है। हम यहाँ पे इसी को कॉपी करते हैं इवन को, और वहां पे शुरू पे लिख देते हैं पी। देखिए क्या होगा, ये देखिए इवन लिखा ना, तो वो जितने भी इवन पी है ना हमारी उन पे अप्लाई हो गया। जी सर, ठीक। जी सर, ये कोई फार्मूला भी हो सकता है, ये कोई नंबर भी हो सकता है, कोई कीवर्ड भी हो सकता है, फार्मूला भी लगा सकते हैं इसमें। सर अगर हमने ऐसे करना हो, ये मतलब आपने ये पी पैराग्राफ को शो करता ना, अगर हमने ये लिखना हो कि मतलब हमने ये पहले पहला पैरा जो है ये हमने ये सेंटर तक आए, हमारी जो है ना स्क्रीन सेंटर तक आए लिखा हुआ हो, और सेकंड सेकंड लाइन भी वहां तक लिखी है, और हमने जो फर्स्ट है ना इसका जो बैकग्राउंड करना है जहाँ तक हमारे वर्ड लिखे हुए हैं ना, वर्ड तक हमारा बैकग्राउंड होना चाहिए चेंज, पूरा नहीं अच्छा, होना चाहिए। अच्छा तो क्या करेंगे इसके लिए, पता होता सर आपसे कोई। अच्छा ये कौन है जी, बड़ा एक्टिव हुआ है। मैम सर, इसने बोला है पता पता होता सर आपसे पूछते हैं। मैं हूँ सर। जगह में आप कह रहे हो कि ये जो फर्स्ट हमने लिखा है ये सिर्फ फर्स्ट पैरा बैक ये जी हमने मतलब ना? अगर देखें हमारा स्क्रीन तक यहाँ तक हमारा जो वर्ड आए हैं लिखे हुए तो हम यहाँ तक की हमारा बैकग्राउंड जो है ना ये चेंज होना चाहिए। हाँ तो कर सकते हैं ना, उसको हमें उसको एक डीप पे लेके आना पड़ेगा, डीप को लेके आना पड़ेगा, डीप की जो है ना हाइट विड्थ वो डिफाइन कर लेंगे हम, मैक्सिमम और मिनिमम विड्थ पे डिफाइन कर देंगे तो हमारा उससे भी काम चल जाएगा। इस पी को ना हमें इसानिया क्या कर रही है अभी, खेल रही है मुझे स्टाइल ट्राई कर रही है ना कैसे लिखा जाता। हम इसकी विड्थ कर देते हैं क्या, हो गई है। मैंने इसकी विड्थ डिफाइन कर दी है 5% सिर्फ। अच्छा अच्छा ठीक है सही है सर सही। वो पी का पी को अगर मैं यहाँ से इसको ना 3% करें ना सर, अगर इसको 3% करें ना तो ये कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, वो वहां तक जाएगी ना जहाँ तक वो वर्ड लिखा हुआ है वहां तक। हाँ तकरीबन वहां तक जाती जाएगी सही है वो। आइडियली सर जहाँ तक वो जा रहे हैं हम वो ना परसेंटेज बढ़ा के तो कर सकते हैं हम। ये देखो ठीक है सही है सर। हाँ ठीक है अच्छा विड्थ उसकी ठीक है सर सही। कर रहे हैं इसको खत्म करते हैं, वापस आते हैं टेबल पे। टेबल पे ये हमने बताया कि हम इधर जो है ना फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है ना इवन ऑड लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कोई फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। कोई फार्मूला बताए हाँ जो हम यूज करें, कोई एक नोटेशन प्लस माइनस की कोई किसी किस्म की, ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी मुश्किल, ए को कहाँ डिफाइन किया हुआ भाई। ओ सर आपने क्या ना फार्मूला भी बताए तो मुझे सम अच्छा हम इसमें करते हैं कि हमने जो है ना 3n डिफाइन कर देते हैं PR में, जो तीसरे नंबर वाली रो है ना सिर्फ उसको करो जी। तीसरे नंबर वाली रो ने किया ना उसको। जी सर ठीक है, एक दो तीन ठीक है, एक दो तीन और एक दो तीन ठीक है सर, एक दो तीन हर थर्ड वाली जो है ना हर थर्ड वाली। हाँ थर्ड वाली हो जाएगी, ये हमने इसमें फार्मूला अप्लाई किया है। अच्छा अच्छा सही है, इस हिसाब से कर रहे थे सही है। हाँ ये हम फार्मूला जो है ना वो डिफाइन कर रहे हैं। जी सही है जी, आगे चले। ओके सर क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें।
सही है जो आपने स्टाइल में ओवरफ्लो एक्स ऑटो यूज किया, इसका क्या मतलब है? ये मैंने किया है स्क्रॉल बनाने के लिए, अपना ना स्क्रॉल बनाने के लिए। अगर इसको मैं वाई करता ना तो मेरा ये स्क्रॉल जो था ना ये बनता था। अब इसको मैंने ओवरफ्लो एक्स कर दिया है, तो इसको जब मैं छोटा करूंगा तो मेरा टेबल रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। यहाँ से ये छोटा नहीं हो रहा मजीद, टेबल ओवरफ्लो एक्स फ्लो किया, ओवरफ्लो एक्स ऑटो किया। अच्छा देखते हैं हमने सर, ये इसलिए किया ना, अगर देखें हम मिनिमाइज करते हैं स्क्रीन तो वो मिनिमाइज में भी उतना आ जाएगा पूरा। नहीं नहीं पूरा पूरा छोटी करते हैं। हम इसको यहाँ करते जाते हैं वहां तक वो मैनेज करता जाता है, स्क्रॉल बनता जाएगा, स्क्रॉल बनता जाएगा। हम टेबल के कॉलम ना बढ़ा लें सर, एक और बढ़ा लें आगे, हमें ये क्लियर तो हो ना। जी सर ठीक है सर। ये सारा क्या इकट्ठे चार चार और बढ़ा रहे हैं, पांच पांच। हाँ अच्छा सही है सर। अब तो होना चाहिए, ये स्क्रॉल आ गया, ये देखो। अच्छा अच्छा ठीक है सर। टेबल को हम डिफाइन कर रहे हैं, हाँ ये स्क्रॉल। जी सर सर ठीक है सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अगर सर ओवरफ्लो के साथ ऑटो ना करते तो फिर क्या आना था? ऑटो कर दिए ना, अगर हम नन कर देते हैं ना फिर रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। ये देखो अच्छा फिर रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, वही काम ओपन करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये तो हो गया और है सर, हाँ हमने नन किया उसको, तो ये तो होना ही चाहिए या फिर वो ओवरफ्लो। हाँ जी हम देख लेते हैं ना अप्लाई हुआ है कि नहीं, हमारा कोड अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। ये अप्लाई हुआ, ये देखिए वो नन वाली प्रॉपर्टी नहीं उसकी है ना। अच्छा अच्छा सही है, वो खाली और फ्लो से चल जाना। हाँ नहीं नहीं उसकी प्रॉपर्टी नन है ही नहीं है जो हमने सेट की है। सेट करेंगे तो फिर नहीं होगा, इसको ऑटो कर देंगे, ये डन कर देंगे तो नहीं आएगा। ये देखो जी सही है, कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा, वर्ड आएगा, बाकी सब में आ रहा है सिर्फ ये डन में नहीं आ रहा। ठीक है सही है ठीक है, ये हमारा टेबल रिस्पोंसिव हो जाएगा, हम सारा रिकॉर्ड देख सर। इसकी प्रॉपर्टी से कैसे कंसोल में जाकर चेक करते होते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी है कि नहीं? हां कंसोल में जाकर, कंसोल में नहीं, यहां पे ये स्टाइल एनिमेशन। अच्छा जी तो इसमें कहाँ पे ठीक, और इसके नीचे सजेशन में आ जाएंगे वो साथ साथ। हाँ ठीक है क्लियर है। जी सर ठीक है, अब आगे चले। वर्ड हमने स्पेसिंग कर ली है ना, सेल स्पेसिंग और पैडिंग कर ली है ना। सेल स्पेसिंग क्या चीज होती है बताएं जरा? सेल स्पेसिंग सर वो सेल्स के दरमियान जो होती है, जो सेल बताए कोई और बता दे। सेल टू सेल होती है सर? नहीं सेल के दरमियान जो है ना स्पेस होती है, सेल स्पेसिंग में ना हमारे जो सेल होते हैं ना सेल, इनके दरमियान जैसे हमने किया हुआ था ना वो पहले हमने कोलैप्स नहीं था किया हुआ। ये किसका माइक है, बंद कर ले जरा। माइक है सर, हम माइक माइक बंद कर ले, हम
अब मैं जो ना एक और काम करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इसके ऊपर लेके जाऊं ना कर्जर होवर पे, तो इसका कलर कोई और हो जाए उस पूरी टीआर का, उस पूरी टीआर का कलर कोई और हो जाए। टीआर को डिफाइन किया होवर पे, ठीक है क्लास, रिकॉर्डिंग, सॉरी फॉर बीइंग लेट। सिद्धर है जी जी सर, मैंने मेंशन किया हुआ था ग्रुप में कि आई वाज लेट। कलर, इसका क्या रखें हवा पे, येलो कर दो। जी जागरण, बढ़िया। आज हो गया यस सर, यस क्लास सर। में, आज हुमा भी खामोश है। ये जी सर। देखें, मैं जैसे ही उसके ऊपर कर्जर लेके जा रहा हूँ तो उसका कलर जी चेंज हो सर। जाता है। सर ये बंद दिखा दें, ये कोडिंग करें। कोडिंग सर, आपसे एक क्वेश्चन था सर। जी जी सर, क्वेश्चन ये था सर, आपने रिस्पॉन्सिव बनाया था सर, वो कैसे बना था ये बता दें सर। रिस्पॉन्सिव मैंने इसको ना टेबल के टैग में जाके ना ओवरफ्लो की जी सर वो चेंज बता की दें। है। ये जी सर, ओवरफ्लो एक्स जो है ना, एक्स ये है ना हमारा एक्स, जी सर इसको ऑटो कर दिया हमने टेबल के टैग में जाके, तो ये रिस्पॉन्सिव बन जाएगा हमारा टेबल। ये देखो, अब इसको छोटा करेंगे तो स्क्रोल आ जाएगा ये। सर जो ये आप कर रहे हैं, जिसे ये स्क्रॉल कर रहे हैं लेफ्ट राइट सर, सर इसे हम रिमूव नहीं कर सकते हैं? इसको रिमूव कर ये सकते सर, हैं सर अगर कर दें तो अच्छा लगेगा, काफी अच्छी डिजाइन हो जाएगी सर इसकी पेज पे। नहीं कैसे अच्छी हो जाएगी डिजाइन, आपको पूरा टेबल ही नहीं नजर आएगा, आपको पूरा टेबल ही नहीं नजर आएगा। मैंने कॉलम इसीलिए तो बढ़ाए थे। ये देखें, अब सारा टेबल देखने तो क्या करूंगा मैं, मतलब मोबाइल पे करना है मैंने, देखने तो क्या करूंगा मैं, मेरे पास तो स्क्रॉल ही नहीं है। देखें नहीं ना, ठीक है सर, इसलिए मैंने जो है ना उसको ऑटो कर दिया ताकि मेरा सारा टेबल। ये किसका माइक ऑन है, ये कर दिया मैंने, अब ये स्क्रॉल आ गया। ठीक है, सर फ्रास का माइक ऑन है। सर मेरा शोर का सर, सर मेरा शोर नहीं है सर, क्या सर क्वेश्चन भी ना करूं मैं अब सर? नहीं नहीं करें करें, कोई क्वेश्चन भी नहीं करना सर, तो ये कोई मसला करने ऑफ कर दो सर, क्वेश्चन करनी होता नहीं सभी तो ऑन करते हैं सर। सर पहले भी आपने दो तीन क्वेश्चन ऐसे की इनकी समझ नहीं लगी, फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं क्या नेक्स्ट टाइम सही फिर कब पूछ लूंगा सर से, तो सर ये कर दें माइक ऑफ कर दें। मैं आपको नहीं बता रहा सर, आप बता रहे हैं सर, आपने सर आपने मेरा माइक ही म्यूट कर दिया था पहले, फिर मैं ऐसे खामोश होकर देख रहा था। लेकिन आपके माइक से शोर आ रहा है ना, इसलिए म्यूट किया था मैंने। सर अब आ रहा शोर? ठीक है ना। अच्छा, बॉर्डर हमने स्पेसिंग की थी उसमें, स्पेस स्पेसिंग एचटीएमएल में की थी हमने स्पेसिंग। फराज भाई अब माइक बंद भी कर दो यार, आ रहा आपका शोर अभी भी आ रहा है। क्वेश्चन टाइम आप ना ऑन कर लेना। थैंक यू। अच्छा मैंने की थी स्पेसिंग इसकी ना एट्रीब्यूट से की थी सेल स्पेसिंग, टू पिक्सल। इधर गया हमारा फॉर्म, किसमें था, टेबल के, टेबल सीएसएस। यहां पे मैंने सेल स्पेसिंग लिखी है लेकिन वो हुई नहीं है, क्यों नहीं सर? सर एक चीज ये बता दें, ये हमें कब पता चलेगा जब हमें कुछ कोई चीज डिफाइन करनी है साथ उसके, वो जो है ना वो कॉलन लगाने हैं या हमने वो इक्वल लगाना यार, प्रॉपर्टी के बाद कॉलन लगाना है, जब हम वैल्यू डिफाइन जी करते हैं उसके बाद सेमी कॉलन लगाना है, और इक्वल कब लगाना है? इक्वल लगाना जब हमने इक्वल, और सर इक्वल और कॉलन जो है ना इस इक्वल हम टैग में यूज करते हैं, टैग में इक्वल और एचटीएमएल टैग है ना उसमें यूज करते हैं जी सर, जब हमने डिफाइन बाकी हमने कॉलन यूज करना।
नहीं, जब हमने CSS डिफाइन करनी है तो उसका सिंटैक्स ये है कि पहले प्रॉपर्टी, फिर उसकी कॉलम, उसकी वैल्यू और सेमी कॉलम। ठीक ठीक हो गया, ठीक है, उसको फॉलो करना है। जी सर, ठीक जी। मैंने सेल स्पेसिंग दी है HTML की, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने सेल स्पेसिंग देनी है CSS से, तो मैं क्या करूँगा? बताएं दरमियान ये जो जैसे मेरा पेज शो हो रहा है, ये मैंने किया है HTML के एट्रीब्यूट से शो। मैं चाह रहा हूँ ये मुझे शो मैं कह रहा हूँ मैंने ये किया है HTML से, अब मैं चाह रहा हूँ मैं इसको CSS से करूँ, ये सेम फॉर्मेट कैसे करना है? पैडिंग से तो नहीं ना होगा ये? हाँ ये वही फाइल है हमारी, मैंने एट्रीब्यूट टेबल में यूज किया था, सेल स्पेसिंग खत्म कर दी है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं जी, ये लें सेम है हमारा। मैंने क्या किया, बॉर्डर कोलैप्स की जो प्रॉपर्टी है ना उसमें इसको सेपरेट ही शो करो, कोलैप्स नहीं करना आपने। जी क्लास खामोशी हो गया आप लोग, क्लास कहाँ गए हैं सब लोग? यहाँ मैं बॉर्डर स्पेसिंग देता हूँ। अच्छा ये देखें, मैंने स्पेसिंग बढ़ा दी है इस तरीके से। अब जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वो देखे, वो पूरी की पूरी रो जो है वो हो जाती है, क्या हो जाती है? येलो हो रही है। येलो हो जाती है। ये मैंने कहाँ पे डिफाइन किया है, कोड में बताया मुझे, बताया मुझे मैंने कहाँ पे डिफाइन किया है? सर हॉवर बैकग्राउंड कलर में, उसके ब्लैक से लिखा हुआ है उस पे की है सर आपने, और एक रो के ऊपर की है और कॉलम के ऊपर की है सर, टी डी के अंदर टेबल डेफिनेशन के अंदर। सही है, किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर एक बात थी सर, रिस्पॉन्सिवनेस का दोबारा बता दें सर, क्योंकि आपने डिस्क के टैग में सर वो ऑटो किया हुआ है, टेबल पे आपने कुछ भी नहीं अप्लाई किया। टेबल में मैंने ना करा, मैं उसने उस डिव को डिफाइन किया है, उसका स्टाइल ओवरफ्लो एक्स। अब इस डिव में मैं जो चीज भी रखूंगा ना, वो एक्स जब उसकी एक्सटेंड करेगी ना, मैं इमेज रखूंगा तो उसका भी स्क्रोल बन जाएगा। मैं इमेज लगाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे डिव लगाता हूँ। सर आवाज नहीं आ रही है। फ्लो एक्स हटो, मैं यहाँ पे एक इमेज लगाता हूँ। काम किया था रसा का, रसा में मैंने इमेज रखी थी, मैं वहां से उठा लेता हूँ। ये उठा ली मैंने, ठीक है। काम कर रहा हूँ टेबल सी एस एस में, यहाँ पे रखते हैं इसको। मैं कर रहा हूँ क्या,
आईएमजी, एससीआरसी सोर्स, वन डॉट पीएनजी और क्लोज कर रहा हूँ इसको। अल्ट्रा टेक्स्ट नहीं मैंने लिखा इसका, ये इमेज आ गया। ठीक है, अब मैंने इस पे भी और फ्लो अप्लाई किया हुआ। ये देखिए टेबल पे अलग से हो गया अप्लाई और इमेज के इमेज पे अलग से हो गया ये। जी सर हो गया। हो गया ना? जी सर, अगर एक की डिव में करते तो फिर एक में ही होना था सर। फिर एक में ही होना था, अभी दो डिव सेपरेट लिखी है तो उसके लिए देखें स्क्रॉल हो। इसमें कोई भी कंटेंट रखोगे ना, आपका इमेज होगा, आपकी कोई भी चीज होगी, लिस्ट होगी, पैराग्राफ होगा, वो जब ज्यादा जाएगा पैराग्राफ तो वैसे नीचे आ जाता है जब हमने पैराग्राफ यूज किया हो। जी सर, तो उसका टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग हो जाती है उसकी। ठीक है, तो ठीक है क्लास। जी सर, हाँ अभी हम ये चीजें सारी कर ली हैं, जल्दी से रिवाइज करें, फिर ब्रेक करें और वापस आए हम लोग। फिर हमने लिस्ट करना है, लिस्ट। ओके सर, रिवाइज करो कोई एक, हुमा, मरियम, माजिद, सर मेरी बेटी पॉइंट सुन रही है, माइक डिस्टर्ब हो रहा है, वो तंग कर रही है, इस वजह से मैं। जी जी आवाज आ रही है, हम सुन रहे थे। और कोई सर सिद्रा से कहें, ये बड़ा अच्छा समझाती हैं। लेट आई हैं आज क्लास में, मैं इसलिए कह रहा था कि कोई रिवाइज कर दे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई रिवाइज कर दे जल्दी से। सर ये रिवाइज करना भी पहली दफा समझा, रिवाइज करना नहीं आना। चले वैसे समझ के बता दें, कोड के कोड को देख के बता दें क्या कुछ किया हुआ है हमने। समझ है, समझ नहीं ना होती। जब आप, मैंने आपसे पहले दिन कहा था जिस चीज को आप रिफाइन नहीं कर सकते वो जो आपको डिस्क्राइब नहीं करना आ रहा वो आपको समझ में नहीं। जी सर, चले सर ट्राई करते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं। हां करो, शुरू करो। अच्छा सर, हमने ये क्लास बनाई ऊपर पहले ये टेबल की, क्योंकि हमने वो टेबल बनाया था, टेबल में ही हमने वो जो सारी वो करनी थी। जी क्लास बनाई और हमने सीक्वेंस वाइज सर मैं करता हूँ जैसे की थी हमने, सर ये नीचे करना है, ये क्लास में जो है ना जो पहले क्लास बनाई थी, जो पहले क्लास बनाई जी वो बनाई थी ये वाली। जी ये क्लास थी, हमने ये क्लास बनाई, ये हमारी वो ग्रुपिंग क्लास होगी सर। हाँ ग्रुपिंग क्लास है मेरा। अच्छा ग्रुपिंग, और इसका हमने बॉर्डर ये ग्रुपिंग सिलेक्टर है, ये ग्रुपिंग सिलेक्टर है, सही ग्रुपिंग सिलेक्टर हो गया इसका। ये बॉर्डर रखा हमने और एक क्लैप्स करवाया हमने, क्लैप्स इस तरह करवाया, सेपरेट करवा दिया सारे जो उसके जो अंदर बॉक्सेस हैं उनको सबको सेपरेट करवा दिया सर, ऐसे जी। और आगे बॉर्डर में बॉर्डर स्पेसिंग करवा दी हमने वो, और उसके बाद हमने बनाई उसके बाद हमने सर कौन सी बनाई थी उसके नीचे, ये वाली तो नहीं थी बनाई हमने, वो बनाई थी वो कलर चेंज किया था हमने वो बैकग्राउंड वाली, ये हो गया सर। ऐसे में चलता जाता हूँ, ये हमने ये नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ टीएच वाला यूज किया था, सेपरेट डिफाइन किया हुआ। जी सर, और इसके हमने ये चाइल्ड वाइट बैकग्राउंड कलर जो है इसका हो टीएच स्टैंड फॉर टीएच टेबल हेडिंग। एंड सर ये ऊपर आपने लिखा हुआ एस आर एन ओ ऊपर, फिर आपने ओके ठीक है थैंक यू। और ओके वेलकम,
ये हमने ये डॉट के साथ ही बनाई, हमने सीरियल नंबर की, और ये हमने टेक्स्ट अलाइन किया, सेंटर कर दिया उसको हमने, ये एंड हो गई। और उसके बाद हमने फिर टीएच की जो ना ये वाली क्लास बनाई, उसमें हमने पैडिंग की, और पैडिंग के बाद अब हमने उसका कलर जो है ना वो वाइट रख दिया, और बैकग्राउंड कलर हमने जो ना उसका सारा ब्लैक रख दिया। और ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो टेबल वाली है ये हमने ये ग्रुपिंग सिलेक्टर बनाया हमने, और इसमें हमने ये बॉर्डर रख दिया और सॉलिड रेड रख दिया उसका कलर जो है। और उसके बाद हम ये बॉर्डर जो है ना बॉर्डर कोलैप्स करवा दिया सेपरेट में, और ये बॉर्डर स्पेसिंग कर दिया हमने ये 5 पिक्सल में। और उसके बाद ये जो है टी आर ये वाला इसका टेबल, ये आर क्या होता है सर, टेबल किधर, टी डी टेबल डाटा, और टेबल हेडिंग रो नहीं, टी आर टेबल रो, टेबल रो क्या, टेबल रो, टेबल रो इसके हम, ये हमने ये हमने ये डिफाइन कर दिया इसका जो है ना नंबर ऑफ एंथ जो है ना इसमें 4 हमने बना दी। थर्ड 3n का मतलब है कि जो हमने जो जो है ना थर्ड नंबर वाली जो हमारी रो जो रो होगी ना, पहली दूसरी तीसरी, मतलब दो छोड़ के तीसरी वाली जो रो होगी ना, हर जो है ना रो में ऊपर से जब हम आएंगे सारी रो जो है ना उनमें देखना जो हम उसका जो हमने बैकग्राउंड कलर जो है ना हमने ग्रे रखा हुआ है थर्ड वाली का, हर थर्ड वाली जो है ना हर थर्ड जो है ना उसका जो होगा वो ग्रे होगा। अगर हम 3n की जगह हम कर देते या इवन लिख देते ना, तो ये हमारा ये होना था जो इवन नंबर ऑफ रोज होनी थी ना उसका जो है ना कलर हम हो जाए।